गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी कौर फातिमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने वीडियो को इतना पसंद किया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप लोगों को इतनी पसंद आएगी। और सब लोगों ने पूछा कि कवल प्लीज़ बना के भी अब दिखा दो, हमारे मुँह में पानी आ रहा है। एंड वीडियो में सिर्फ हालों को ही तुमने पूछा और किसी को नहीं पूछा। चलो कोई बात नहीं, सबको पूछ लेती हूँ। इंशाल्लाह तो कोशिश करूँगी के वीडियो बनाऊं। जब वीडियो बनाऊं तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे बनता है कैसे नहीं, तो वीडियो बना लूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। बस ऐसी जब मैंने बनाई थी, घर वालों का मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, तो मैंने बना दिया। इत्तेफाक से सब कुछ घर में बना हुआ था तो मैंने बना दिया, तो सब ने इन्जॉय किया। आप लोगों ने भी इन्जॉय किया, आई नो आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी तो आप लोग आराम से खाना। और रेसिपी तो आप लोगों को, काफ़ी लोगों ने नोट कर ली कि डेफिनेटली कवल हम बनाएंगे। तो अगर नहीं है आपसे समझ में आया तो मैं बना दूंगी, डोंट वरी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो मैं गई थी इम्तियाज़ ग्रोसरी लेने, तो वहाँ से मामा का मन था रेशन सैलेड खाने का, तो मरियम का भी, क्योंकि वो हमारे घर में दो पर्सन हैं जिनको मीठा बहुत पसंद है मुझे छोड़ के क्योंकि जहाँ वहाँ मीठा वहाँ पर मैं दूर 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 दूर, आई डोंट नो क्या, मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद। कोशिश तो करती हूँ कि खा लूँ लेकिन ज़्यादा मीठा नहीं मैं खाती, तो ये सीन था। तो वहाँ से मैंने ग्रोसरी लेने गई थी। इम्तियाज़ में ये होता है किसी भी स्टोर से कि आप ग्राम के हिसाब से चीज़ें ले लेते। अगर फल वाले से आप कहेंगे ना ये चीज़ डालो तो कहेगा बाजी जी आप हैं तबीयत आपकी ठीक है ना। तो वहाँ से मैंने सारी चीज़ें ली, तो वहाँ पर भी कह रहे थे कि मैम आप दो दो चीज़ों का क्या करेंगे। तो मैं कहा तुम्हें नहीं पता बेटा डाल दो सच्ची में, मैं कहा तुम्हें नहीं पता डाल दो। तो उसने फिर हेल्प की कि मैम को ये चीज़ें चाहिए वो चीज़ें चाहिए, तो फिर उन्होंने टू टू चीज़ें मैंने डाली, कहीं से सिटा लिया, कहीं से मैंने बॉल लिया, कहीं से वॉल लिया। तो मैंने सारी चीज़ें दो 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 करके हाफ के जी मैंने कहीं से चीज़ ली। घर में स्पेक्टी एंड मेयोनीज़ तो पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो भाई होता, लेकिन जब मैंने बनाया ना तो हर चा हादसा बन गया। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी भी आप देखें ना तो बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो मैंने कहा अच्छा किया कि मैंने ज़्यादा नहीं लिया, अगर ज़्यादा लेती ना तो बहुत ज़्यादा पहाड़ बन जाता। तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी वॉइस ओवर में भी कि आप लोगों को पता चल जाए कैसे बनता, लेकिन आप डिपेंड करता कि आप इसमें क्या क्या डाल रहे हो, डिपेंड करता ना कि आप, लेकिन मेरे जो मेरे घर वालों को पसंद चीज़ होती थी वो मैंने वो डाली। अगर आपके घर में से किसी को भी कोई भी फ्रूट पसंद आता है वो अभी आप डाल सकते हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कोई KFC या पिज़्ज़ा जाता है कौन पहाड़ बनाता है वो सैलेड का, क्योंकि आई नो सच रिमेंबर जब हम छोटे थे तो मैं मरियम को बेचती थी क्योंकि मरियम पहाड़ बना के लाती थी। क्योंकि आपको पता है ना छोटा सा बॉल देते हैं कि आप भाई ड्रेसिंग सैलेड का क्या आप डाल ले, जो हमारे क्या नाम है पार्टी में से जो सबसे बड़ा बंदा होगा ना वो जो पहाड़ बना के लेके आएगा ड्रेसिंग सैलेड का उसको हम बेचते थे। ऐसा होता है, आप लोग में से कोई करता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड फातिमा सिसो एंड फातिमा लीटा ब्लॉग्स एंड स्वीटी लॉरी ब्लॉगर्स ने मुझे भी बोला एक कवल हमें भी शूट आउट दे दें, तो मैं इन दोनों के कमेंट्स पिन भी कर दूँगा। ऐसे दोनों के कमेंट्स पिन नहीं होगा, दोनों में से एक का कमेंट पिन होगा। कोशिश करूँगी कि दोनों की अपने कमेंट में दोनों का लिंक डाल दूँ, पिन में भी डाल दूँ एंड यूट्यूब के नाम वीडियो में भी लिंक डाल दूँ, तो आप लोगों ने बताऊँ क्या करें। इनकी जाके वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब चैनल का। फातिमा सिसो फ्रांस में रहती हैं और फातिमा सूटी लाहौरी ब्लॉगर लाहौर में रहती हैं, बहुत अच्छी हैं। और सीरियसली लाहौरी बंदो अगर आप लोगों ने लाहौरी बंदी को देखना है ना तो सूटी लाहौरी ब्लॉगर को देखें, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। दोनों मेरी बड़ी बहन हैं और बहुत क्यूट हैं बहुत क्यूट हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं इनकी वीडियोज़ देखती हूँ, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती हैं एंड मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनकी वीडियोज़ देखनी है, देखें अगर 5 मिनट तो आप देखें, अगर ना पसंद है तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है, बदल दीजिएगा। वैसे ही आगे इतना लंबा नाम है कवल फातिमा, सोचो तो आगे नाम बदल दूँगी तो क्या रखूँगी। सो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, आप लोगों ने वीडियो देखनी है। एंड कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मत पूछिएगा। मैं नादरा में गई थी, मुझे काम था वहाँ पर, मुझे डॉक्टर खुरम भी मिले थे तो मैंने कहा हेलो, डॉक्टर खुरम भी मिले थे, लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एंड मुझे नानी याद आ गई, आई डोंट नो इम्तियाज़ के वर्कर्स कैसे काम करते 24 आवर्स रोड है उनके ऊपर, क्योंकि इतनी गर्मी थी मत पूछिएगा। मैं तो थक गई, मैंने कहा निकलाओ यहाँ से, एक के दो दो के चार नहीं दिखते, सब मुझे ऐसे दिख रहे थे। तो मैंने कहा कब जाके ख़त्म होगी और मैं कब जाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। गलती ये हो गई कि मैं 2 को चली गई या 28 या 29 को नहीं गई, ये हुआ कि पहली के बाद जो 2 आती है उधर उस टाइम चली गई ना, कि महीने के स्टार्टिंग में चली गई ना, तो बहुत ज़्यादा रश था मत पूछिएगा। और जब घर आई तो घर में लाइट ही नहीं है, सोचो लाइट ही नहीं है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कवल आपकी स्केच की क्या वीडियो आएगी,
सॉरी सॉरी, एक्चुअली ना मैं ना गई नहीं बुक स्टोर जहाँ से मैं पेंसिल्स लेके के आती हूँ, क्योंकि मैं अगर घर में ले आई ना पेंसिल्स ऑनलाइन ऑर्डर करवा दी, क्योंकि वो ऑनलाइन जब आती है ना टूट टूट के आती है, फिर ज़्यादा मुश्किल होती है और आगे इतनी एक्सपेंसिव होती हैं। 30 रुपीज़ की एक पेंसिल है, सोचो मामा ने मुझे घर से बाहर निकाल देना, कहा तुम तो निकलो यहाँ से। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बोला आप कहाँ से हैं, काइंडली बता दे कहाँ से ब्लॉग लगती है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं कहाँ से ब्लॉग लगती हूँ, ये तो पता है मैं कराची में रहती हूँ मैं, लेकिन कहाँ से ब्लॉग लगती हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तब तक इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं सैलेड की तरफ। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, आप फ्रूट्स देख रहे हैं, मैंने केले लिए हैं, अमरूद लिए हैं, सेब लिया, अनार लिया एंड खरबूज़ा लिया है एंड मैंने मौसमी ली है। ठीक है, ये मैंने चीज़ें लिए हैं जो फ्रूट्स में लिए हैं, मैंने ये लिए हैं, तो आप नोट कर लें। अगर आपको कोई ऐसा फ्रूट है जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। ये सब मैंने कटिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा मत पूछिएगा, तो अगर आपके पास कटर है तो आप उसे कटर कर लें, या आपके घर में जो स्पर्ट है जो कटिंग करने में क्यूब्स काटने में तो उससे आप कटवा लें, क्योंकि मुझे इसको कटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और मैंने इसमें कॉर्न्स भी लिए थे एंड मटर भी लिए थे। मैंने थोड़े से मटर जो है ना 3 से 2 मिनट्स तक ना वो बॉयल किए थे, ज़्यादा नरम नहीं किए थे, थोड़े से बस लिटल बिट के, ज़्यादा नरम नहीं करना लिटल बिट, क्योंकि सख्त नहीं खाए जाते, कच्चे डाल लो तो वो मज़ा नहीं है। आप ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मैंने उबाइल किए थे थोड़े से। तो आप इंग्रीडियंट्स देख लें, मैंने पाइनएप्पल लिया, अनार लिए है, अमरूद लिए हैं, सेब लिए हैं, आलू लिए है, स्पैगेटी लिए है, पास्ता लिया है एंड कॉर्न्स लिए हैं, मटर लिए हैं और आई थिंक है मौसमी ली है एंड क्रीम है, ये लिया है। तो आप लोग नोट कर ले, अगर वीडियो डाउनलोड हो सकती है आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, तो आपको इसमें कोई भी फ्रूट्स ऐसा जो आपको पसंद आए वो भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर इंसान का फ्रूट फेवरेट अलग होता है। जो मुझे पसंद थे मैंने वो डाले, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही आप देखेंगे इतना ज़्यादा बढ़ गया था, माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके थी ना बरकत हो गई थी, तो माशाल्लाह से। तो देख मैं इसमें क्रीम डाली हूँ, मैंने ऑर्पल्स की क्रीम ली थी, क्योंकि अगर आप मेरे पैक की भी ले सकते हैं तो ले लें, लेकिन मुझे ऑर्पल्स की क्रीम का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसमें क्रीम ले रही हूँ। एंड मैं इसमें मेयोनीज ले रही हूँ, शुक्र करो ये भी घर में पड़ी हुई थी, मेयोनीज डाल रही हूँ, तो इससे ये होगा। मैंने मिल्क नहीं डाला, लेकिन कुछ लोग डालते हैं दूध, तो मैंने दूध नहीं डाला, मिल्क एंड क्रीम एंड मेयोनीज को ही मैंने मिक्स किया था, तो अच्छी खासी बन गया था पेस्ट। एंड मैंने शुगर क्रश करके नहीं डाली, क्योंकि मैंने ऐसे ही डाल ली क्योंकि मिक्सअप हो गई थी स्पेशल की मदद से। अगर आपके पास इसका पाउडर भी है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप ग्राइंड करके डाल दें, मैंने ऐसे ही डाल दी थी, तो सो डोरी माइंड नहीं कीजिएगा, मैंने ऐसे ही डाल दी क्योंकि वो मिक्सअप हो गई थी स्पेशल की मदद से, फिल नहीं हुआ था। एंड इसमें सॉल्ट भी डाली, मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाली क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट भी होना चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं। एंड यहाँ पर एप्पल डाल रहे हैं एंड अमरूद, आलू, आलू को भी चॉप करके मैंने डाला, एप्पल अमरूद एंड आलू को चॉप करके डाला। इसका सलाद नहीं बना लें, आपको चूमा नहीं बनाना, क्यूब्स की शक्ल में आपने करना है। ये खरबूज़ा मैं डाल रही हूँ, बनाना इसको मिक्सअप किया था। एंड यहाँ पर मैंने तो वॉल चेंज कर दिया क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिक्सअप करने में मुश्किल हो रही थी, तो यहाँ पर थोड़ा बुरा नहीं मनेगा, घर वाली बात है कोई बात नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली बुरा नहीं मनाती, लेकिन आप कोई भी इसको मिक्सअप करने के लिए कोई भी बड़ा बॉल नहीं, क्योंकि मैं अगर डेकोरेशन पीस के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन मिक्सअप करने के लिए मुश्किल हो रही थी इसलिए मैंने ये बॉल ले लिया था, सो सॉरी माइंड नहीं कीजिएगा। स्पैगेटी मैंने डाल दी थी एंड पास्ता मैंने डाल दिया था, ये दोनों घर में चीज़ें पड़ी हुई थी तो अब बचत हो गई। एंड मैं कॉर्न जा रही हूँ, कॉर्न भी मैंने उबाइल कर ली थी एंड मैंने मटर भी आपको बताया था कि मैंने उबाइल किया था, देख रहे हैं कि ज़्यादा पिसे नहीं है क्योंकि गर्म नहीं करने हमने। एंड ये पाइनएप्पल मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, पाइनएप्पल रेडीमेड था, रेडीमेड कह रही हूँ, अनार डाल रही हूँ उसमें, रेडीमेड कह रही हूँ इसलिए क्योंकि जो कंटेनर आता है ना पाइनएप्पल का वो वाला जूस
अब कहाँ टाइम है कि यहाँ पर रेगुलर बेसिस में तो पाइनएप्पल कहीं मिलता नहीं फ्रेश, तो यहाँ पर मैं मिक्सअप कर रही हूँ, अच्छे से मिक्सअप कर लें। अगर आप, मैं आपको कह रही हूँ, आपका कोई ऐसा फ्रूट है जो आप डाल दें, लीची भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। एंड ये मौसमी नहीं है, मैंने मौसमी डाली थी, आई थिंक मौसमी डाली थी, माल्टा नहीं डाला था, सो सॉरी, मैंने माल्टा नहीं डाला था क्योंकि माल्टा खट्टा हो जाता है, मौसमी थोड़ी मीठी मीठी होती है, इसलिए मैंने मौसमी डाली थी। एंड डेकोरेशन पीस है, आई होप आप लोगों को पसंद आए वीडियो। डैट्स इट, ज़्यादा लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं थी, बस ज़्यादा लंबी चौड़ी के लिए, लंबी चौड़ी तो थी बस डैट्स इट। और जो मेरे सब्सक्राइबर न्यू आए हैं चैनल में, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे ये होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आज़मी बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ चलते चलते, अल्लाह हाफिज़।